हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम यहां पर आज की डेट में बात करने वाले हैं तमिलनाडु पेट्रो से रिलेटेड, एज वेल एज हम बात करेंगे यहां पर चेन्नई पेट्रो से रिलेटेड। ओके, हमने यहां पर चेन्नई पेट्रो की बात करें तो चेन्नई पेट्रो में कुछ दिन पहले ही वीडियोस बनाई थी। ओके, वहां से हमारे पास भागता हुआ नजर आया था। मैंने टीएन पेट्रो से रिलेटेड भी एक बार वीडियो बनाई है। ओके, और इस लेवल पर दिखाया था जब अच्छा खासा ये शेयर भागता हुआ नजर आ रहा था। ओके, अच्छा खासा भागा भी था, उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट हुई थी इसके अंदर और गिरावट से फिर बाउंस बैक हुआ था। बट एक दोबारा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बनती हुई नजर आई है और शायद ये शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके के वॉल्यूम आते हुए दिखाई दिए, वो वॉल्यूम बताते हैं कि ये शेयर यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे सकता है ऊपर की तरफ। तो हमें किस लेवल पे ध्यान देना है, वो सब चीज, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, वो सब चीज मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर वीडियो को इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो मिलती रहे। दूसरा, यहाँ नितेश कुमार हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरी वीडियोस हमारे पास आती रहती है तो यहाँ पर जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर लीजिए। आपको कोई सर्विसेज चाहिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो नीचे कमेंट टैब आप कर सकते हैं, नीचे नंबर है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी लाइक सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से हमारी मोटिवेशन बढ़ता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर टीएन पेट्रो से रिलेटेड। ओके, टीएन पेट्रो जैसे कि हमने यहाँ पर अभी बताया ही है कि एक अच्छा खासा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है, क्या टारगेट रहेंगे उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स, ओके, यहाँ पर एक करती क्या है तो तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड हेडक्वार्टर एट चेन्नई, चेन्नई में हेडक्वार्टर है। तमिलनाडु इंडिया इज अ जॉइंट प्रमोटेड बाय सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री के थ्रू, ये यहाँ पर जॉइंट वेंचर करते हुए नजर आते हैं। एज वेल एज बिजनेस लाइन की बात करें तो कंपनी है पेट्रोकेमिकल्स प्रोडक्ट बनाती हुई दिखाई देती है, लीनियर एल्काइल बेंजीन बनाती हुई दिखाई देती है, कास्टिक सोडा दिखाई देती है, क्लोरीन एंड प्रोपलाइन प्रोपलीन ऑक्साइड ये बनाती हुई दिखाई देती है। तो कंपनी यहाँ पर अलग अलग तरीके के केमिकल्स प्रोडक्ट्स एज वेल एज जो पेट्रोल से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं वो यहाँ पर बनाती हुई दिखाई देती है और उससे किस तरीके से रेवेन्यू आता है वो देख सकते हैं। और सारा का सारा यहाँ पर जो रेवेन्यू है मोस्टली यहाँ पर इंडिया से आता हुआ दिखाई देता है या थोड़ा बहुत यहाँ पर बांग्लादेश से आता हुआ दिखाई देता है। क्लाइंट की बात करें तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं मोस्टली यहाँ पर एफएमसीजी कंपनी जो प्लेयर है वो यहाँ पर यूज करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ज्योति लेबोरेटरीज, ओके, बहुत सारी यहाँ पर और भी कंपनीज है वो ये प्रोडक्ट यूज करते हुए दिखाई देती है। तो कंपनी भी अच्छी खासी है और उसके क्लाइंट भी यहाँ पर अच्छे खासे यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अगर हम बात करें मार्केट फाइनेंशियल्स की तो मार्केट कैप 952 करोड़ रुपए का है, तो माइक्रो कैप कंपनी है। तो माइक्रो कैप कंपनी में बहुत ज्यादा कैप लीवर है याद रखिए, और भारत को ग्रो होना है तो ऑब्वियसली बात है बड़ी कंपनी तो बड़ी होंगी होंगी, छोटी कंपनी भी साथ में ग्रो होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर 136% का प्रॉफिट पिछले 5 साल में कंपनी ने दिया है और एज वेल एज 15% के आसपास की सेल्स ग्रोथ भी यहाँ पर होती हुई नजर आई है। पीजी रेशो बिल्कुल ठीक ठाक है, एज वेल एज आरओसी आरओई की बात करें तो 33% के आसपास की और 26% के आसपास की, जो कि अच्छी बात है। डेट फ्री शेयर आप यहाँ पर कह सकते हैं और कंपनी शेयर 143 का हाई लगा के, 52 वीक हाई लगा के यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए इंट्रेंस शेयर का प्राइस 106 है और इंट्रेंसिक वैल्यू 341 है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक जाता है तो याद रखिए 3 गुना आपके पैसे होते हुए दिखाई देते हैं। इंडस्ट्री का पी 27 का और उसका 6 का है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं शेयर यहाँ पर सस्ता नजर आता है। शेयर की बात करें तो माइक्रो कैप कंपनी ऑब्वियसली बात है, तो माइक्रो कैप में आपको इस तरीके के हिचकोले मिलते हुए दिखाई देंगे, बट एट द एंड शेयर अच्छा खासा या अगर है कैलिबर तो भागता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर 31 रुपए से लगभग 150 रुपए होता हुआ दिखाई दिया है और उसके बाद अब दोबारा गिरता हुआ दिखाई दिया है। तो शेयर ठीक ठाक है बट जिगजैग मोशन एज वेल एज शेयर भागते गिरता हुआ भी साथ साथ दिखाई देता है। सेल्स की बात करें कंपनी की सेल्स देखिए लगातार यहाँ पर पहले बढ़ रही थी, इसके बाद कोविड की वजह से गिरती हुई दिखाई दी और अभी लगातार अच्छे खासे रिजल्ट कंपनी के आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सपेंसेस कंपनी के साथ साथ ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मटेरियल कॉस्ट कंपनी को ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ओके, इसकी वजह से अगर देखा जाए मार्जिन पे इफेक्ट पड़ा है और कंपनी का मार्जिन 7% के आसपास रह गया जो कि क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 39 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है, कंपनी का प्रॉफिट की बात करें वो भी यहाँ पर कम है, एज वेल एज ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, सब चीज बेसिस पे यहाँ पर कम आ रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर देखिए जब अभी जब मार्केट गिर रही थी उस टाइम मार्जिन
बहुत ज्यादा मायने रख रहे थे, बट अब मार्जिन का मोस्टली यहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे वो मार्जिन भी यहाँ पर एक्सपेंसेस है जो वो धीरे धीरे कंट्रोल में आते हुए आने वाले टाइम में नजर आएंगे। और जब वो कंट्रोल में आएंगे तो सेल्स तो ऑब्वियसली बात है कंपनी अच्छा खासा कर रही है, तो सेल्स फिर बढ़ेगी, और जब सेल्स बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है मार्जिन और इन्फ्लेशन घटेगा, तो यहाँ पर जो मार्जिन एज वेल एज प्रॉफिट है दोबारा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो शेयर की तरफ आपको ध्यान में रखना है। ईयरली बेसिस पे बात करें शेयर की, तो कंपनी का ईयरली बेसिस पे जो परफॉर्मेंस है पहले तो यहाँ पर एकदम बिल्कुल ठीक था, फिर उसके बाद डल होता हुआ दिखाई दिया जैसे कि यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे था, फिर उसके बाद कंपनी लगातार अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है और पिछले 3-4 क्वार्टर से तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रही है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें, कंपनी का नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर आ रहा है जो कि आज तक यहाँ पर नहीं आता हुआ दिखाई दिया। और अगर हम चार्ट की देखते हैं तो चार्ट में आपको पता चलेगा कंपनी का जो हाईएस्ट एवर परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पर जुलाई में दिखाई देता है। तो ये सारी की सारी चीजें उसी बेसिस पे यहाँ पर ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, तो कंपनी और अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली है। ओके, तो इस चीज को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। कंपनी के रिजर्व्स की बात करें, कंपनी के रिजर्व्स लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनी के बोरिंग की बात करें, कंपनी के बोरिंग 56 करोड़ की है, वर्क इन प्रोग्रेस में पैसे लगे पड़े हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं है। कैश की बात करें, कंपनी का अच्छा खासा कैश भी है। कंपनी के एक्शन की बात करें तो डिविडेंड, कंपनी लगातार यहाँ पर अच्छा खासा डिविडेंड, और जब कंपनी का डिविडेंड बढ़ता हुआ नजर आए ना तो समझ लीजिएगा कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। 3 रुपए का 21 सितंबर को डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो लगभग 34% के आसपास है जो कि एज इट इज बनी हुई है, तो यहाँ पर प्रमोटर्स अपने शेयर बेचना नहीं चाहते। एज वेल एज FIs लगातार यहाँ पर खरीद रहे हैं, देखिए 4 से 9% हो गए हैं। DIs है नहीं यहाँ पर। पब्लिक की बात करें, 55% के शेयर है, पर 55 में भी कुछ बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर हिस्सेदारी ले रखी है। चार्ट की बात करें तो चार्ट में यहाँ पर जो ये पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, इस पैटर्न को कहते हैं फॉलिंग वेज। ओके, फॉलिंग वेज का मतलब क्या होता है? फॉलिंग वेज का मतलब होता है कि ये सीधे मिलते गिरते हुए नजर आ रहे हैं और एक लाइन पे मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर होता हुआ ना क्या, यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ, वो फॉल्स ब्रेकआउट था, चीजें नीचे आई, फिर यहाँ पर एक दोबारा ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया चैनल का, और बट सामने एक रेजिस्टेंस भी है। याद रखिए क्या है, सामने एक रेजिस्टेंस भी है, तो इस रेजिस्टेंस को अगर ये क्रॉस कर देता है, ये जो दे रखा है लगभग 107 108 मान के चलिए, इसे क्रॉस कर देता है तो ये सामने जो रेजिस्टेंस है ना यहाँ पर बस इसके बाद ये और सीधे फिर यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस 128 का रेजिस्टेंस नजर आता है। और यहाँ पर साथ में क्या नजर आता है, इसमें साथ में नजर आता है राउंडिंग बॉटम। एक आध क्वार्टर के मतलब अगले क्वार्टर के अगर रिजल्ट आ जाते हैं अच्छे अकॉर्डिंग टू मी, तो यहाँ पर अच्छा खासा ये शेयर भागता हुआ नजर आएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर ऑपरेटर भी यहाँ पर एक्टिव रहते हैं ऐसे शेयरों में, तो ऑपरेटर भी जब भी चाहे यहाँ पर भगा सकते हैं। वॉल्यूम की बात करें, पिछले 3-4-5 दिन के जो वॉल्यूम है यहाँ पर अच्छे खासे वॉल्यूम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़े से बीच में डल हुए थे तो शेयर भी यहाँ पर डल चल रहा था, बट धीरे धीरे वॉल्यूम यहाँ पर रेज होने शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर अगर बात करें एक राउंडिंग बॉटम ये भी बन रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पैटर्न और एक बन रहा है, ये शोल्डर बना है, ये हेड बना है और ये शोल्डर बना है, इसे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। और इसके बेसिस पे अगर हम यहाँ पर देखें तो लगभग लगभग 17-18% के आसपास का यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर भी 14% के आसपास का, 13-14% के आसपास का यहाँ पर क्या होता हुआ नजर आ रहा है, रिटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप इसके लिए भी जा सकते हैं, पहले भी बताया था, पहले भी भागा था, अगेन बता रहा हूँ, अगेन यहाँ पर अच्छा खासा रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे शॉर्ट टर्म में, ये लॉन्ग टर्म में ये भी जा सकता है। अब बात करते हैं चेन्नई पेट्रो की। चेन्नई पेट्रो देखिए बहुत ही बेहतरीन शेयर है, यहाँ पर देखेंगे 287, यहाँ पर देखिए इंट्रेंसिक वैल्यू 1100, और इसकी भी इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो कितनी इंट्रेंसिक वैल्यू थी, इसकी थी लगभग 341, और अगर हम इस शेयर को 341 तक लेके जाते हैं, ओके, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि शेयर में कितनी ज्यादा यहाँ पर वैल्यू नजर आती है। तो यहाँ पर आप देखिए ये 341 ये है, मतलब 222% के रिटर्न यहाँ बनते हुए नजर आ रहे हैं आपके, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रेंसिक वैल्यू। अब बात करते हैं चेन्नई पेट्रो की, तो देखिए 1 के PE पे मिल रहा है और 11 का इंडस्ट्री का PE है। ओके, डेट कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा है, बट डेट मत देखिए, ओके, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाती है। स्मॉल कैप कंपनी है और यहाँ पर देखिए 418 का हाई लगा के 287 पर ट्रेड कर रहा है। मैंने यहाँ पर कल परसों जब मार्केट में गिरावट हुई थी तब भी खरीदा था ये शेयर। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें 1100
के आसपास का यहाँ पर इंट्रेंसिक वैल्यू नजर आ रही है, यहाँ से यहाँ तक भी जाता है तो 5 गुना पैसे होते हुए नजर आते हैं। आरओसी आरओई काफी बेहतरीन है यहाँ पर, 10 का फेस वैल्यू भी है, और यहाँ पर देखिए कंपनी के जो रिजल्ट है ना वो ट्रिमेंडस नजर आते हैं। कंपनी की जो सेल्स है यहाँ पर जो बढ़ी है ना वो एक अच्छी खासी सेल्स बढ़ी है, कंपनी के जो मार्जिन बढ़े हैं वो अच्छे खासे बढ़े हैं, और कंपनी का मार्जिन अगर यही भी रहता है ना तो पिछले दो दो बार तो और अच्छा खासा आ रहा है, और 2 बारी में मुझे लगता है कि लगभग आपका पैसा दुगने से ज्यादा तो होता हुआ नजर आ रहा है। कंपनी के जो यहाँ पर देखिए घाटे से सीधे प्रॉफिट और हाईएस्ट एवर प्रॉफिट आज तक नहीं आया, ईयरली बेसिस पे नहीं आया, वो प्रॉफिट यहाँ पर एक क्वार्टर बेसिस पे आया है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ओके, एज वेल एज बात करें कंपनी की, तो कंपनी यहाँ पर देखिए हाईएस्ट एवर सेल्स और हाईएस्ट एवर यहाँ पर प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे प्रॉफिट कभी नहीं आए, और जब ऐसे प्रॉफिट कभी नहीं आए तो इंट्रेंसिक वैल्यू कुछ और दिखा रही है, और आपको उसी इंट्रेंसिक वैल्यू पे कम से कम विश्वास रखना चाहिए। ओके, और यहाँ पर बात करें कुछ और इन्वेस्टर्स की, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा डॉली खन्ना 3.27% की होल्डिंग है। ओके, LIC के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग यहाँ पर नजर आती है, और यहाँ पर बात करें DIFIs की होल्डिंग यहाँ पर देखिए 0% से 4% हो गई है, और यहाँ पर DIIs भी है जो कि घटते हुए मैनर में है, बट DIIs भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रोमोटर्स के पास भी अच्छे खासे शेयर है, प्रोमोटर्स भी अपने शेयर यहाँ पर बेचना नहीं चाहते, और कंपनी ऑलरेडी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर दे चुकी है, अच्छे खासे यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो आते हुए दिखाई दे रहा है, और एज वेल एज यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर शेयर गिरता हुआ नजर आ रहा है, परसों की वीडियो 2-3 दिन पहले की वीडियो बनाई थी। ओके, यहाँ पर मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। ओके, चेन्नई पेट्रो से रिलेटेड, तो यहाँ पर देखने दीजिए, देखिए ये वीडियो बनाई थी 4 दिन पहले, और जो 4 दिन पहले बनाई थी तब तो मैंने बताया था ये सपोर्ट नजर आता है, और देखिए इसी सपोर्ट को टच करके यहाँ से ऊपर जाती हुई चीजें दिखाई दी है। तो ये चीजें आपको सीखनी होगी, वो मैंने सिखा रखी है, प्लेलिस्ट पे गो थ्रू कर लीजिए। बहुत जल्दी हम क्लासेस शुरू करने वाले हैं जिसमें मैं आपको ये पूरा किस तरीके से ये करते हैं, किस तरीके से ये बड़े लोग करते हैं, किस तरीके से हमें ऊपर के लेवल पे फंसाते हैं, किस तरीके से नीचे से चीजें भागती है, और किस तरीके से मैंने आपको बता दिया था कि एक दिन पहले ही जब शेयर भागने वाला था उससे पहले ही मैंने यहाँ पर शेयर लेके रख लिया, और फिर उसके बाद देखिए अच्छा खासा भागा, और फिर भी नहीं बेचे। क्यों नहीं बेचे? क्योंकि यहाँ पर एक्युमुलेशन करने के लिए फिर चीजें नीचे आई, और फिर दोबारा अब ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, तो चीजें मैंने यहाँ पर बढ़ाई है, यहाँ पर घटाई नहीं है, तो इस चीज को भी आपको यहाँ पर देखना होगा। जब गिर रहा था तब भी बता दिया था कि यहाँ पर गिर रहा है, ये सपोर्ट है, उसके बाद भागेगा। अब चाहे तो हम यहाँ पर 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट ले सकते थे। ओके, बट कोई नहीं, हमें प्रॉफिट नहीं, हमें लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, और इसे पता है क्या कहते हैं, इसे जब ये शेयर भागते हैं ना इस तरीके के, तो इसे इलियट वेव कहते हैं। ओके, जहां पर एक्युमुलेशन किया जाता है बड़े लोगों के थ्रू, जहां पर चीजें भरी जाती है दोबारा, और चीजें फिर उसके बाद भागती हुई नजर आती है। रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ भी बन रहा है, इसके हिसाब से टारगेट ये है। ओके, और यहाँ पर जो ये हाई निकाला, मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई का ये है 452, इधर तक तो ये जाएगा ही जाएगा, बट इसे एक बार निकाला तो यहाँ पर और तेजी होती हुई दिखाई देगी, तो पैसा यहाँ से डबल होता हुआ नजर आ रहा है मुझे, और कुछ नहीं। और जब पैसा आराम से डबल हो रहा है तो चीजें यहाँ पर खरीदी जाएंगी, ना कि यहाँ पर बेची जाएंगी। तो चीजें अगर आपको समझ में आई हो, ओके, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट करिएगा, दूसरे चैनल को भी हमारे चैनल को सपोर्ट करिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।